के हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, केवल दुनिया की नहीं ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले इस महारैली के लिए, लोकतंत्र बचाओ रैली के लिए आप पार्टी, आम आदमी पार्टी और उनके सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद दूंगा मैं कि जिन्होंने अपने पार्टी की तरफ से मुझे बुलाने का और यहां आने का मौका दिया है। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है के हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आपने चुने हुए लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया, जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू थू किसी ने कराई है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं।
और जो देश के हालात हैं, किसी कोने से देख लीजिए आप, जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के नेताओं के बारे में जो बातें रख रही है, आज तो देश जान गया है। ईडी सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वसूला गया है चंदा, इसको दबाने के लिए जो विपक्षी नेता है उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीड़िए हैं उनको बचाने का काम होगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो रामलीला मैदान से संदेश जा रहा है, ये देश के कोने कोने मर जाएगा और जब चुनाव शुरू हो गया है तो वोट पड़ेगा तो न केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी बल्कि देश से भी भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। मैं एक बार फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, और भी दल के जो कार्यकर्ता नेता आए हैं मैं उनका विशेष आभारी हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। Thank you.